प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 7007 इज, टू डू प्राइम फैक्टराइजेशन फर्स्ट वी शुड फ्रेम इट इन दिस वे सी, दैट इज 7007 ओके. नेक्स्ट, फॉर दिस नंबर लास्ट डिजिट इज 7 विच इज नॉट इवन, सो दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई 2. नेक्स्ट प्राइम नंबर 3, टू चेक डिविजिबिलिटी फॉर 3, फॉर दैट वी शुड एड द डिजिट्स, दैट इज 7 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 7, वी गेट 14. 14 इज नॉट डिविजिबल बाई 3, सो दिस नंबर ऑल्सो नॉट डिविजिबल बाई 3. नेक्स्ट प्राइम नंबर 5, द लास्ट डिजिट इज नाइदर 0 नॉर 5, सो दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई 5. नेक्स्ट प्राइम नंबर 7, लेट अस चेक डिविजिबिलिटी बाय 7. 7007 बाय 7, हियर 7 वंस 0 एज इट इज, 0 एज इट इज 7 वंस 7, सो यस दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 7. सो 7 हियर एंड हियर दिस नंबर 1001 ओके. नाउ फॉर दिस नंबर लास्ट डिजिट 1 नॉट इवन, सो दिस नंबर नॉट डिविजिबल बाय 2. टू चेक डिविजिबिलिटी बाय 3, फॉर दैट वी एड द डिजिट्स, दैट इज 1 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 1, वी गेट 2. 2 इज नॉट डिविजिबल बाय 3, सो दिस नंबर ऑल्सो नॉट डिविजिबल बाय 3. नेक्स्ट प्राइम नंबर 5, द लास्ट डिजिट इज नाइदर 0 नॉर 5, सो दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 5. नेक्स्ट प्राइम नंबर 7, लेट अस चेक डिविजिबिलिटी बाय 7, दैट इज 1001 बाय 7. हियर वी हैव 10, अ नंबर क्लोज टू 10 इन 7 टेबल इज 7 वंस 7. 10 माइनस 7, 3, 3 कैरीड फॉरवर्ड मेकिंग इट 30. अ नंबर क्लोज टू 30 इन 7 टेबल इज 7 फोर्स 28. 30 माइनस 28 इज 2, 2 कैरीड फॉरवर्ड मेकिंग इट 23. Making it 21. When do we get 21 in 7 table? 7 3 is 21. So yes, this number is divisible by 7. So 7 here and here this number 143. Now for this number last digit is 3 not even, so this number not divisible by 2. To check divisibility by 3, for that we add the digits, that is 1 plus 4 plus 3, we get 8. 8 not divisible by 3, so this number also not divisible by 3. Next prime number 5, the last digit is neither 0 nor 5, so this number is not divisible by 5. Next prime number 7, let us check divisibility by 7, so that is 143 by 7. Here we have 14, 7 2s 14, 3 is left, so this number is not divisible by 7. Next prime number 11, let us check divisibility by 11, so that is 143 by 11, 11 ones. Here we have 14, a number close to 14 in 11 table is 11 ones 11. 14 minus 11 is 3, 3 carried forward making it 33. When do we get 33 in 11 table? 11 3 is 33. So yes, this number is divisible by 11. So 11 here. And here we get this number, that is 13. Now 13 is a prime number, so we take 13 ones 13. We got 1 here. So the prime factorization of 7007 is the product of these numbers. Okay, product of these numbers, that is 7 into 7 into 11 into 13. So this is the prime factorization of 7007. This also called as product of prime numbers of 7007. Am I
क्लियर।